वायरस के चलते लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, तो वही गरीब परिवारों के साथ साथ अब मध्यम वर्ग के परिवारों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से लोगों का काम काज बंद रहने की वजह से अब ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हर कोई राशन पानी के लिए परेशान होता दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में आज आगरा स्थित सराय ख्वाजा निवासी इकबाल खान के द्वारा आटा और अन्य खाद्य सामग्री गरीब को जरूरतमंद लोगों को वितरण किया गया। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मुझसे अब लोगों की परेशानी देखी नहीं जा रही है और तब तक मुझसे लोगों की मदद की जाएगी, मैं आगे भी करता रहूंगा। आगरा से अनिल कुमार की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इकबाल खान। इकबाल जी, क्या सहायता? मैं रहता हूँ सराय ख्वाजा के अंदर, जो भी मुझसे बन पड़ रहा है। तीन बार मैंने अनाज वितरण किया है, आटा वितरण किया है, आलू चावल बच्चे गरीब लोगों को, आसपास के लोग हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ कलर कास्ट क्रीड कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम सब, महिलाएं बच्चे आ रहे हैं, सबको दे रहा हूं। आज भी काफ़ी वितरण किया है और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इस लॉकडाउन को ख़त्म करे, लोगों का अमन अमान कायम हो और जो ज़रूरी चीज़ें हैं लोगों खान खाने पीने की सब उनको मिले। क्या सामान वितरित किया गया आपके द्वारा? मेरे द्वारा आज आटे का वितरण किया गया, हर प्रति व्यक्ति को 5 किलो आटे का पैकेट वितरण किया गया है। करीब 5 क्विंटल आटा बांट चुके हैं और अभी आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, उनको दिया जा रहा है और यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह गरीब लोगों को इस रिस्पेक्टिव, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हों, गरीब जो परेशान हैं, पड़ोस के लोग परेशान हैं, दीगर मोहल्लों से लोग आ रहे हैं, नगला छुआ, बारह खम्बा, अपने कमाल खां, खेड़िया मोड़, खवासपुरा, जो भी लोग आ रहे हैं, सबको जो मुझसे बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ और आगे भविष्य में भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं करता।